क्वेश्चन में है कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर के जी पर मिक्स्ड विथ चिकोरी कॉस्टिंग ₹75 पर के जी इन द रेशियो 5:2 फॉर अ सर्टेन ब्लेंड इफ द मिक्सचर वाज सोल्ड एट ₹230 पर के जी फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मतलब क्वेश्चन में है कॉफ़ी जो है ₹250 पर के जी है और चिकोरी जो है वो ₹75 पर के जी है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है 5:2 के रेशियो में, ठीक है, दोनों को मिक्स किया गया है 5:2 के रेशियो में। तो अगर उस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद ₹230 पर केजी से बेचा जाता है तो उसको गेन और लॉस परसेंट बताना है कि अगर गेन हो गया, फ़ायदा हो गया तो गेन परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और अगर लॉस हो गया तो लॉस परसेंट पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कितना क्वांटिटी टोटल है वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना दिया है कि दोनों 5:2 के रेशियो में है। तो यहाँ पर हम लोग रेशियो को मान लेंगे केजी, ठीक है, एक को मान लेंगे 5 केजी और दूसरे को मान लेंगे 2 केजी। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट 5 केजी ऑफ कॉफी बी मिक्स्ड विथ 2 केजी, है ना, इसको 5 यहाँ पर 5:2 के रेशियो में, तो 5 मान लेंगे ये कॉफ़ी का क्वांटिटी और 2 जो है चिकोरी का क्वांटिटी मान लेंगे केजी में, तो 5 केजी कॉफ़ी होगी और मिक्स में 2 केजी चिकोरी, ठीक है, 5 केजी और ये 2 केजी दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। तो मिक्स करेंगे तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा दोनों का, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कॉफ़ी का कितना हो जाएगा, कॉफ़ी जो है ₹250 केजी है और है कितना, तो 5 केजी, तो 250 × 5 होगा, प्लस करेंगे यहाँ पर चिकोरी जो है वो 2 केजी है, ठीक है, और उसका प्राइस है ₹75 पर केजी, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्राइस निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो 250 × 5 करेंगे तो 1250 होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ₹150, यानी टोटल जो है रुपीज़ हो जाएगा 1250 और 150 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ₹1400, ₹1400 उस मिक्सर का प्राइस हो गया, टोटल वो कॉस्ट प्राइस हो गया ₹1400, ₹1400। तो अब इसका सेलिंग प्राइस देखिए बीके का कितना है, सेलिंग प्राइस जो है सेलिंग प्राइस लिखेंगे ऑफ द मिक्सर, मिक्सर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो टोटल क्वांटिटी जो है कितना है, 5 केजी कॉफ़ी है और 2 केजी चिकोरी है, टोटल हो जाएगा 7 केजी, ठीक है, 7 केजी, और प्राइस 1 केजी का जो प्राइस है बिकने का वो है ₹230, तो इसको 230 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21, 2 कैरी और 7 × 14 और 16 यानी ₹1610, ₹1610 में वो बिकेगा, ठीक है, टोटल ₹1400 खरीदने में लगा और ₹1610 में वो बेच रहा है, तो उसको खरीदा कम में है और बेच ज़्यादा में रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इसको गेन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 1610 माइनस 1400 माइनस कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा ₹210, ₹210 का उसको फ़ायदा हो रहा है, तो ₹210 तो फ़ायदा हो गया, लेकिन उसका परसेंटेज बताना है कि परसेंटेज कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो प्रॉफिट हो गया 210 बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है कितना हो गया 1400 इंटू 100, 0 से 0 0 0 यहाँ पे कट हो गया और आ गया यहाँ पर 210/14, और ये जो है ये भी कट हो जाएगा 14 से 210 15 टाइम्स, टोटल यहाँ पर आ गया कट हो करके 15%, ठीक है, यानी कि टोटल उस पूरे ट्रांजैक्शन में कॉफ़ी और चिकोरी को मिला करके बेचने में टोटल उस शॉपकीपर को 15% का जो है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 15% उसको लाभ हो गया, ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, थैंक यू।